हाँ आप कोहली और राहुल की बात कर रहे हैं ना पीटर हाँ, ऑर्डर में हाँ नहीं वो मतलब क्या है कि दोनों स्तंभ खड़े हो गए लेकिन स्तंभ कोई हिल नहीं रहा था राइट <laughs> अच्छा है दो, दोनों भाई दोनों एंकर खेलेंगे तो कैसे चलेगा उसमें भी हम नंबर 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 है सो सो फर्स्ट वाज वेस्ट इंडीज इज इज पाकिस्तान और इंडिया uh, uh, मैं ये नहीं मानता बीसीसीआई ने कुछ अकलमंदी की काम की ये सीरीज को इतना जल्दी स्केड्यूल किया है मैं ये मानता था कि एटलीस्ट एक, एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को रिकवर करने के लिए मीडिया को रिकवर करने के लिए बिकॉज अगर आप इतना क्रिकेट डालोगे ना इट विल किल द गेम पाकिस्तान एक थोड़ा कैरिकेचर सा हो गया था उनका वर्ल्ड कप दो दो हिस्सों में बट चुका था फर्स्ट में वो अपने पोटेंशियल को ही हिट नहीं कर रहे थे वो बहुत सही 20 -20 टीम है क्योंकि उनके ओवर बॉलर्स चार चार ओवर बहुत सही डाल सकते पर आप इंडिया में एक अच्छे स्पिनर के बिना नहीं आ सकते उसामा मीर और उनका जो कौन ऑलराउंडर है तो इंडिया अच्छा। में भी ये इश्यू है पर नहीं ये शान मसूद को मुझे आई थिंक ये बहुत ही क्या बोलते हैं

तो सारे टॉपिक पे बात करेंगे हमारे साथ हैं यूएस से आदित्य कपाड़िया सर हेलो सर कैसे हैं नमस्ते विक्रम जी बहुत बहुत बढ़िया आप कैसे हैं बस तो हम तो अभी सर वर्ल्ड कप की हार का ही गम बना रहे हैं आप इससे उभर गए नहीं मतलब दिल उभरना नहीं चाहता पर लेकिन उभरना पड़ा सुबह उठ के काम करने को जाना पड़ा और पर हाँ बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग लॉस था इस इस बार तो लगा था कि शायद हो जाए पर मैं हमेशा सबको बोलता था कि अगर एक टीम मुझे फाइनल में इंडिया के सामने नहीं चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ वो जो जिस स्वैगर के साथ खेल रही थी ना मुझे नाइनटी वर्ल्ड कप की याद दिला रही थी बिकॉज तब वो ऐसा लग रहा था बियॉन्ड टाइम हारते हारते

नॉकआउट में पिछले दस आईसीसी टूर्नामेंट में यह नौवा मौका है या हम इधर से ही फाइनल या फाइनल हार के ट्रॉफी जीतने का मौका हमने गमाया है तो क्या हम चोक कर जाते हैं फियर ऑफ फिल्ले और हावी हो जाता है रिपिन पॉइंट कहाँ करते हैं आप वो तो है ही कि अगर हम स, हम लोग साउथ अफ्रीका के साथ बारे में थोड़ी खिल्ली उड़ाते रहते हैं वो सीवर्ड शायद अब इंडिया के गले के बहुत नजदीक आ चुका है बिकॉज ये है पर इंडिया खैर वर्ल्ड कप जीते साउथ अफ्रीका का वो जो है वो 92 से सिलसिला चल रहा है कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है तो वो उनका लंबा ज्यादा है आ, इंडिया का ब, 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 बिगेस्ट इश्यू आईसीसी नॉकआउट में यह है कि एक तो देखो आ, आपके कौन से प्लेयर्स टूर्नामेंट में चल रहे हैं? अगर 2019 का वर्ल्ड कप आप देख ले तो आपके टॉप थ्री बहुत अच्छा खेल रहे थे और नॉकआउट में अब फाइव फोर थ्री हो गए खत्म हो गया मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया इसमें भी कुछ सिलसिला वही था कि टॉप फोर और फाइव अच्छा खेल रहे थे थ्री हो गए और जैसे रोहित शर्मा और केएल राहुल जो मैं मैं मानता हूं कि अपनी टीम राहुल बैकबोन सो uh, नॉट so रोहित शर्मा विराट कोहली और केएल राहुल जो मिडिल ऑर्डर के बैकबोन आप बोल सकते हैं विराट कोहली तो खैर टॉप थ्री में आते हैं पर बैटिंग वो ज्यादा मिडिल ऑर्डर के साथ करते हैं वो दोनों ने एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच से पारी खेली अपनी प्लान हो सकता है वो तो मैं ये नहीं मानता कि भारत को uh, मौका या uh, बड़े बड़े बड़ी गेम का वो स्ट्रेस है आई थिंक उनका गेम प्ले थोड़ा डिफेंसिव हो गया इन टर्म्स ऑफ बड़े बिकॉज राधर दिन जीतने की कोशिश वो मैच हार हारना नहीं चाहते दे आर लाइक हम लोग इस हद तक लेके जाएंगे कि यहां से भाई एटलीस्ट एक थोड़ा 80 परसेंट चांस है नहीं तो आप अगर आप 100 परसेंट का ट्राई नहीं करोगे तो 80 परसेंट भी नहीं आने आना मुश्किल है तो आ, 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 लोग बोल रहे थे कि 280 उनका टोटल था तो ये बात मुझे ये पता था कि उन्होंने पिच कंप्लीटली मिसलेट की थी सो so, दो बड़ी चीजें थी एक तो आपकी विकेट जो आप फ्लैट विकेट पे इतना अच्छा खेल रहे थे फ्रेश विकेट पे जब आपके शमी सिराज और बुमराह इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे तो आपको यूज्ड विकेट लेने की क्या जरूरत थी आ, अभी ये डिसीजन बीसीसीआई का है आईसीसी का है उसके ऊपर चर्चा अभी भी भी चालू है पर जो डिसीजन किसी ने भी लिया वो ये, देखो ये होता है कि एक बुरी विकेट आप थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट कर दो ना तो दो टीम में अगर एक नब्बे परसेंट और दूसरी सत्तर परसेंट है तो दोनों अस्सी परसेंट पे आ जाती है क्योंकि कुछ लक का फैक्टर आ जाता है मैं आपको 1983 वर्ल्ड कप पे लेके जाऊंगा जहां वेस्ट की टीम हमारी टीम से काफी अच्छी टीम थी लेकिन विकेट स्विंग और सीम कर रही थी तो मदन लाल भी होल्डिंग जितने पोटेंट बॉलर हो गए वो भी तीन विकेट ले रहे राइट होल्डिंग पेस पे कर रहा है वो स्विंग और सीम और लाइन एंड लेंथ से कर रहे हैं पर हो गए तो उसकी वजह से आपने अपना बिगेस्ट एडवांटेज सरेंडर किया दूसरा अगर आप ऐसी विकेट थी तो आपने अश्विन को क्यों नहीं लिया बिकॉज सिराज को अगर आप पहली दस ओवर में या पहली पंद्रह ओवर में नहीं बोलिंग पहली दस ओवर में बॉलिंग नहीं देने वाले तो वो इनफेक्टिव है सिराज इस विकेट पे उसके पास वो स्लोअर बॉल्स या कटर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर डाल रहे थे तो आपको एक गैम्बल लेना चाहिए अच्छा अश्विन अगर टीम में होते तो आपका लोअर ऑर्डर बढ़ गया तो विराट और ज्यादा रिस्क ले सकते मैं ये मानता हूं कि अश्विन टीम में होते तो आपके तीस चालीस रन तो ज्यादा बनते ही तो अगर टू इस विकेट पे बहुत एटलीस्ट डिफेंडेबल स्कोर होता था कि क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को 70 रन चाहिए थे नब्बे बॉल में उसकी जगह 100 रन चाहिए नब्बे बॉल में ऐसा कुछ तो और अश्व, अगर अश्विन थोड़ी भी विकेट स्लो है और हेल्प कर रही है उनको तो वो वो भी एक बड़े मैच के प्लेयर है तो इंडिया की सिलेक्शन भी थोड़ी टिमिड सी रही और अश्विन की सर आप बात कर रहे थे मैं अश्विन का ही कुछ कमेंट्स अश्विन के देख रहा था उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से हमें आउट प्लान कर दिया एक पिच के बारे में वो बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर से बात हुई उनकी कि आपने आप तो अक्सर टॉस जीत के बैटिंग लेते हो बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड रहा है फिर आपने फील्डिंग क्यों ले ली तो उसने बताया कि हमने आईपीएल में देखा कि जो ब्लैक काली मिट्टी की जो पिच होती है यहाँ पे ियोरेट नहीं करती है रेड रेड और और लाल मिट्टी वाली पिच करती है काली वाली काली मिट्टी वाली पिच रात में सीमेंट की तरह हो जाती है उनका ऑब्जर्वेशन था जॉर्ज कर... जॉर्ज बेली ने बोला था हाँ, जॉर्ज बेली ने बोला और हमारे हुँ. प्लेयर्स जैसे रोहित ने बोला कि हम मैट टॉस जीता तो बैटिंग ही करता तो मतलब पिच को कंडीशन को अपने ही कंडीशन को रीड करने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है या बाहर से ऑस्ट्रेलियंस आकर के इसको इतना अच्छा रीड कैसे कर सकता है देखो आपने बहुत ही बढ़िया बात की है एक तो ये ऐसा आई डोंट थिंक था कि पिच रीड करने में तकलीफ हुई थी सिर्फ इंडियंस को हमारी हमारी जो थिंकिंग थी ना थोड़ी ओल्ड फैशन थी इस बारे में कि ये नौ दस हफ्ते तक नौ हफ्ते तक आठ हफ्ते तक हुआ है तो एक और दिन भी होगा ऑस्ट्रेलियंस ने अडेप्ट सिचुएशन अच्छा ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम में अगर आप हमारे प्रीव्यू पॉडकास्ट ले ले सारे मैंने तो तीन चार पॉडकास्ट किए थे और अलग अलग चैनल पे तो आप समझ लो कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ये नहीं मानेगा कि दोनों मार्कास टोनिस और कैम ग्रीन दोनों आउट टीम से बाहर होंगे ग्यारह बजे पर थे ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत एलेक्स कैरी से की पर एक मैच में बदल के जॉर्श इंग्लिस को लेके आए और कल देखिए क्या जॉर्श इंग्लिस ने पारी की और पारी खेली है और वो हम बात करेंगे टी की बारे में पर ये इसको बोलते हैं है, right? तो, इन, एक दो, एक दो राइट? बोलिंग, बोलिंग ही दिखी थी पर रोहित शर्मा थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे कि भाई मुझे भी तो बैटिंग ही करनी थी आ, जहां इंडिया ने गड़बड़ी कर दी वो कि उनकी बोलिंग स्ट्रेटजी से जो आ, अश्विन सिराज की मैं बात कर रहा था वो और दूसरी दूसरी बात जब हम लोग को 47 फॉर थ्री ऑस्ट्रेलिया थे तब थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए था थोड़ी अटैकिंग फिर आई थिंक हम लोग ने गेम को थोड़ा ड्रिफ्ट अवे होने दिया सिंगल्स आसानी से दे दिए ट्रेविस हेड स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल सकते थे तो आप स्पिन ला सकते थे कुछ कुछ नया कर सकते थे कि सारी फील्डिंग आके आप ट्रेविस हेड को बोलो कि ट्राई करके मार बिकॉज आप तीस ओवर में मैच हारोगे या चालीस ओवर में हारोगे दर्द तो उतना ही होगा वर्ल्ड कप फाइनल है पर अगर आप अटैकिंग थोड़ा करोगे और एक ट्रेविस हेड मिलके आप एटी फॉर फोर हो जाए तो

सबसे ज्यादा फोकस रेस अयर के विकेट पे था क्योंकि विराट एक साथ हो गए ये बैटिंग में भी है सबसे खराब कॉम्बिनेशन पॉसिबल जो था इंडिया के लिए वही हो गया हाँ आप कोहली और राहुल की बात कर रहे हैं ना ऑर्डर में हाँ नहीं वो मतलब क्या है कि दोनों स्तंभ खड़े हो गए लेकिन स्तंभ कोई हिल नहीं रहा था राइट अच्छा दोनों भाई दोनों एंकर खेलेंगे तो कैसे चलेगा आप अगेन मैं, मैं वही बोल रहा हूँ आप वर्ल्ड कप की फाइनल खेल रहे हो यार आप बायलैटरल नहीं खेल रहे हो क्या नेट रन रेट नहीं बचा रहे हो अगर आप 220 में ऑल आउट हो जाते या 240 में हो जाते कोई खास फर्क नहीं होने वाला था पर 240 और 280 में बहुत प्रेशर का फर्क होता है और एक रिस्क तो कोई ले चलो के राहुल ने सिक्सटी बनाए थे एक बॉल में छियासठ रन उसमें से बावन सिंगल्स थे 52 सिंगल्स थे आप ये और अहमदाबाद कोई वांगखेड़े जितना छोटा ग्राउंड नहीं है काफी बड़ा स्टेडियम है आप दो टूज तो ले सकते हो थोड़ा चिप डाउन करके और मुझे तो याद नहीं है विक्रम जी आपने भी पूरी मैच थी तो मुझे याद नहीं केएल राहुल डाउन द ट्रैक आके उन्होंने कुछ शॉट इतने मारे ही एक हो एक बार सो अब अब ये कैसे मतलब 100 और उसमें ऐसा भी नहीं ग्लेन मैक्सवेल एडम ज़ंपा आई थिंक ट्रेविस हेड डाल रहे थे तो वो तीन स्पिनर्स थे राइट उनके तीन के कुछ अठारह ओवर थे और दो ओवर मिचेल मार्श के थे वो आप सिक्स फिफ्थ बॉलर के दस ओवर में सिर्फ पैंतालीस रन करोगे तो कैसे जीतने वाले हो फाइनल को अब उसमें तो यू हैव टू ट्राई फॉर सिक्सटी सेवेंटी वन्स लो टूज लो एक दो रिस्क शॉट्स लेके फोर्स लगाओ

बिल्कुल कमेंटेटर्स का तो यही हाल है सर विराट वंदना में लग जाते हैं मैं सीधा सीधा बोलूं तो एक ही मतलब टीम इंडिया खेल रही है हाफ टाइम में सो आएगा विराट पे मैच पहले सो आएगा विराट पे मतलब पूरी की पूरी टीम गायब हो जाती है लेकिन मैच के बाद एक मोहम्मद कैफ वर्सेस कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हुआ है कैफ जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम बेस्ट थी भले वो फाइनल हार गई कैफ ने भी यही लिखा कि टीम ऑन पेपर बेस्ट थी फाइनल हार गई ऑस्ट्रेलियंस ने उनको बहुत ट्रोल किया है इंक्लूडिंग डेमियन मार्टिन वगैरह सारे जो है इस पे क्या कहेंगे मैंने तो भी थोड़ा ट्रोल किया है मोहम्मद कैफ जो आ, आ, बोल रहे हैं वो उसको एक एक बड़ा एक अच्छा टर्म है जो मेडिकल टर्म है कोपिंग मैकेनिज्म तो वो बेचारे कोप कर रहे हैं तो हर एक का अलग अलग है और ये अभी वो सिर्फ वो नहीं अभी मैं जो किसी ने बोला चालीस साल बाद अभी भी एंडी रॉबर्ट्स बोल रहे 1983 की टीम हमारी बैस थी बेस्ट थी वो थी तो ये इंडिया के लिए भारत के लिए नाइनटीन का मोमेंट था कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी अच्छी थी लेकिन फाइनल के दिन इंडिया जीत गई और वो भी 184 के टारगेट में सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी इंडिया की थी पर इतनी बुरी भी नहीं थी उनका जर्नी कुछ इंडिया के 1983 जैसा ही रहा जैसे कपिल देव ने 175 जिम्बाब्वे के सामने मारे थे ग्लेन मैक्सवेल ने 200 मारे अफगानिस्तान के सामने आ, 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 आप हर्षल 99 का एक पैरेलल दे दूं हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था यहां मुजीबुर रहमान ने कैच सो वो जो वोडेड टाइगर्स का किताब होता है ना वो बड़ा बड़ा डेडली सा होता है कि इंडिया और इंडिया हैड बिकम द टीम टू बीट फेवरेट्स हो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया का वो था कि हम हमको तो किसी ने मौका ही नहीं दिया चांस ही नहीं दिया तो अगर हम हार भी गए तो अगर तो इंडिया के सामने इंडिया वाज़ द फेवरेट्स टू विन इन माय ओपिनियन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का फैन होता तो ये मैं बोलता कि दिस इज ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट एवर वर्ल्ड कप विन फिकेंट एंड इंडिया के लिए हाँ सो टीम uh, तो अपनी बेस्ट थी पर वो मैं कैफ जी से वो बात में सहमत उपर, वो बात में सहमत नहीं हूं कि ऑन पेपर ये वो ये नहीं होता फाइनल और कैसे डील करती है टू थाउजेंड नाइनटीन में अपनी टीम बेटर थी न्यूजीलैंड से अ, 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 पर लेकिन कोई मानेगा नहीं कि तीन विकेट कीपर के साथ हमको सेमीफाइनल नहीं खेलनी चाहिए हुँ. थी महेंद्र सिंह धोनी का जो स्ट्रेटेजी थी वो लास्ट 5 ओवर में बहुत गो स्लो हुई थी तो मतलब

तो हाँ, और हम लोग लो कोई वैंखेड़े चेपॉक के मैं आईपीएल का मैच नहीं खेल रहे थे, थे बारह साल पहले की बात थी जब वो लंबे हिट्स लगा सकते धोनी की गेम चेंज हो गई थी लेकिन वो ज्यादा ही कुछ मैच को डीप में लेके गए सो और उसी चक्कर में जड्डू आउट हो गया बिल्कुल बिल्कुल वो अटैकिंग शॉट खेलने में रन रेट इतना बढ़ गया था चलिए सर बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट इस की थी या नहीं लेकिन ये तो हम लोग मान सकते हैं नया टैग डिस्कवर करें बेस्ट टीम दैट कुडंट विन द वर्ल्ड कप एवर वो तो थी आ, उसमें भी हम नंबर टू है सो सो फर्स्ट वाज वेस्ट इंडीज 1983 एक्चुअली नंबर थ्री नंबर टू इज पाकिस्तान 1999 और नंबर थ्री इज इंडिया 2023 99 में फिर साउथ अफ्रीका को भी लाना पड़ेगा सर नहीं मुझे एक्चुअली लगता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता था साउथ अफ्रीका को ला सकते थे पर मैं फाइनल्स की बात कर रहा हूँ मैं सेमीफाइनल yeah, की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ फाइनल की टीम की बात बिकॉज उसमें भी पाकिस्तान ने एक ब्लेंडर किया था और ऑस्ट्रेलिया को आ, पहले आ, खुद बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया को अगर बैटिंग दी होती तो फाइनल का रिजल्ट कुछ और होता बिकॉज मैं एक्चुअली मानता हूँ कि द आर दैट इज वाई आई एम रेटिंग दिस ऑस्ट्रेलिया की ये विक्ट्री दोनों सब कॉन्टिनेंटल टीम्स को पाकिस्तान में नाइनटी को हराया है टू थाउजेंड इंडिया को जब दोनों फेवरेट्स थे बिल्कुल सर और यही बात इसी बात पे सवाल पूछता हूँ जैसे पाकिस्तान का जिक्र किया कि 99 में गड़बड़ करके फाइनल में आके इंडिया करती है हम लोग फाइनल में आके थोड़े नर्वस हो जाते हैं जो समझ में आता भी है एग्जाम देने जाते थे हम लोग साल भर कितनी बच्ची तैयारी हो उसमें थोड़े से नर्वस हो जाते थे लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया कौन सी बला है ये जितना बड़ा मैच होता है उतना इनका ए गेम और बेस्ट गेम क्यों आता है दो तो तीन चीजें हैं एक थोड़ा फियर ऑफ फेलियर जो कम है देखो ऑस्ट्रेलिया अगर हार गया तो देर विल बी डिसंटमेंट इन द स्टूडियोज पर ऐसा कुछ पागलपन भी नहीं होगा कि मैच का मुजरिम कौन है क्यों हार गया लोग लोग रास्ते पे आके उनकी यू you नो know, चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे अगर फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गए तो दे बी नेशनल डिस्कशन गुस्सा होंगे लोग पर आ, आ, कुछ पागलपन पागलपन नहीं होगा पर आप देखो अगर इंडिया फर्स्ट राउंड में हार गया 2007 में या 2003 में पहले दो मैच हार गया था क्या हालत हो गई थी मतलब लोगों के घर पे अटैक हुआ तो और 2011 में जीत गया तो रास्ते पे लोग आ गए थे यू नो you know, पार्टियां शुरू हो गई थी अब ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत खुश है मैंने एक ऑस्ट्रेलियन के साथ पॉडकास्ट किया है मेरे माइंड मेकर्स चैनल पे आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि तो ऑस्ट्रेलियंस ने नहीं देखा तीन से चार मिलियन लोग सबसे पच्चीस तीस परसेंट ऑडियंस ने देखा है पर वो लोग सेलिब्रेट भी ऐसा नहीं करते जैसे इंडिया और पाकिस्तान में होता है और दुख भी उतना नहीं करते तो वो एक फियर ऑफ फेलियर एंड एक्सपेक्टेशन का थोड़ा कैलिब्रेशन रहता है वहां पे अलग है तो उसकी वजह से भी थोड़ा होता रहता है इश्यूज की यंगस्टर यंग प्लेयर्स को स्पेशली ऑन द डे ऑफ फाइनल की भाई कुछ भी करना है हारना नहीं है हारना नहीं है तो वो डिफरेंट है दूसरी बात यह है कि ऑल कंडीशंस अटैक और स्ट्रेटजिकली सोचना हमारे uh, हमारी थिंकिंग जो है ना वो है कि जीतने वाले कॉम्बिनेशन को आप हिलाओ मत कुछ करो मत यू you नो know, उसको ये मतलब नहीं ऐसा नहीं होता आप जीत चैंपियन टीम वही है जो अगर जीत गए या हार गए चेंजेस करती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो क्षमता है कि वो चेंजेस कर सकते हैं ये कर सकते हैं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है पाकिस्तान में भी वही इश्यू है पाकिस्तान भी वही देखो यार ये वर्ल्ड कप में फखर जमान को लाते हुए कितना टाइम कर दिया और मतलब क्या खेले है वो राइट right? अगर फखर फर्स्ट या सेकंड गेम से खेलना शुरू कर दे तो क्या सो so, ये सिर्फ इश्यू इंडिया का नहीं और ऐसी काफी टीम्स का इंग्लैंड का भी कभी कभी इश्यू हो जाता है कि uh, क्या वो कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं आई डोंट थिंक वो कर सकते हैरी ब्रुक uh, जो उनके ऑर्डर के बहुत अच्छे प्लेयर्स है वो आधे वर्ल्ड कप बाहर बैठ के ड्रिंक्स लेके आ रहे थे तो uh, ये ये, ये इशू रहेगा और ये इशू बहुत सॉर्ट ऑफ खटकदा भी है हम लोग को एस फ्रेंस ऑफ द गेम बिल्कुल सर और चलिए अब टीम हार के उस गए कितना करें लेकिन कुछ मामलों में इंडिया जीता जरूर है जैसे कि वर्ल्ड कप जिस तरह से होस्ट हुआ है ठीक है एक आध गज रही हैं वेस्टर्न मीडिया ने कुछ शोर मचाया जरूर लेकिन पूरा वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से एक ग्रैंड सक्सेस रहा और जिस तरह से ऑडियंस स्टेडियम में आई है ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैक्स वन पॉइंट टू फाइव मिलियन पहली बार okay. मतलब पिछले से ट्वेंटी का अराउंड वन मिलियन लोग स्टेडियम जाकर के मैच देखे थे उससे करीब पच्चीस परसेंट ज्यादा है और टू थाउजेंड नाइनटीन से करीब फोर्टी परसेंट ज्यादा क्राउड अटेंडेंस ग्राउंड पे बना है और टीवी का और ओटीटी का तो रिकॉर्ड टूट ही गया है तो कितना बड़ा ग्रैंड सक्सेस रहा है चूंकि इंडिया एक राइजिंग कंट्री भी है बड़े इवेंट को होस्ट करना चाहता है ओलंपिक को भी होस्ट करना चाहता है उस उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप सबको नहीं बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स है ये बहुत अच्छा किया है इंडिया ने जहां इंडिया ने जैसे दिक्कत हो गई वो थी टिकट्स में और वो मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से होना चाहिए बीसीसीआई ने ट्रांसपेरेंट नहीं किया था और एक दूसरी चीज इंडिया को याद ये रखनी वर्ल्ड कप है तो दूसरे देशों से अगर लोग आना चाहते इंडिया में क्रिकेट के लिए लोग आएंगे ही पर दूसरे देशों से आना चाहे तो उनके लिए टिकट्स का आसान करो थोड़ा वो आ सके और अपना ही अच्छा होगा अपनी पैसा आएगा पर ऑफ ऑल दैट अच्छा काम हुआ है आ, स्टेडियम्स में कोई ऐसे पर तीन चार चीजों मैं तीन चार अच्छी चीजें बोलूंगा और दो तीन ऐसी चीजें बोलूंगा जहां इंप्रूवमेंट होनी चाहिए सो so, तीन चार अच्छी चीजें में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस और स्ट्रीमिंग और उसके नंबर्स बहुत सही थे उनका कवरेज एंगल्स वेंगल्स बहुत सही था द लोकल टीम्स को अफगानिस्तान को जिस हिसाब से सपोर्ट मिला कुछ स्टेडियम्स में वो देख के मैं बहुत खुश हो गया अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है uh, बहुत ही मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं वो लोग अपने देश में जो है सो so, उस <laughs> uh, तो ये रही पॉजिटिव बातें थोड़ी नेगेटिव बातें ये है जो मैंने बुक माई शो वाली बात की कि वो आपको आसान करनी चाहिए और दूसरी बात अब स्टेडियम को क्या एक्सपीरियंस स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छा बनाओ कहीं मैंने देखा टॉयलेट के लिए दिक्कत थी पानी बंद हो गया था पीने का पानी नहीं मिल रहा था ये नहीं होना चाहिए अगर हम फीफा का वर्ल्ड कप को देखने जाएगा बाहर ये वो ये नहीं होता तो आप अगर क्रिकेट को वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट बनाना चाहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट व्यूड स्पोर्ट या वर्ल्ड का वो तो आपको ये सब के काम करना होगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है यार पचास साठ करोड़ इसमें अगर डाल दे कि उनके कुछ छह या सात मार्कि वेन्यूज में तो हम लोग भी यार उन्नीसवीं सदी से आके आगे इक्कीसवीं में इट कम्स टू तो स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस जाए प्रॉब्लम है कि इंडिया में कुछ भी करके स्पेक्टेटर्स तो आएंगे तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं पर मैं यहाँ अमेरिकन स्पोर्ट्स काफी देखता हूँ और स्टेडियम में जो फैसिलिटीज है वो बहुत डिफरेंट है और मैंने इंडिया में भी काफी क्रिकेट देखा है तो मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा अच्छा हो सके तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा

क्रिकेट नहीं देखते थे उस समय स्पोर्ट्स स्टार और क्रिकेट सम्राट की बिक्री कम हो जाती थी इंडिया में जब कुछ दिन तक लेकिन इस बार वर्ल्ड कप खत्म हुआ है चार दिन के बाद आप मैच देख रहे हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाउसफुल टीवी पे भी भी पूरे नंबर्स और सोशल मीडिया एंगेजमेंट उस मैच के पूरे के पूरे इस बार ये चेंज थोड़ा सा आ रहा है कि भले हार गए हैं लेकिन लोगों ने थोड़ा उतना नेगेटिवली नहीं लिया जितना आमतौर पे लेते थे नहीं देखो एक चीज ये है कोपिंग मैकेनिज्म का कि ये खत्म हो जाए और नए नया शुरू हो जाए इट right? लेकिन क्रिकेट भी काफी हद तक लीग स्पोर्ट बन चुका है और टी आपको लीग की याद दिलाती है जैसे अगर फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हार गया दिसंबर में तो एक हफ्ते बाद ईपीएल की सीजन की uh, मिड सीजन की शुरुआत हो गई तो लोग भूल भी गए वापस है मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल वो तो क्रिकेट का भी है ना क्रिकेट में बायोलैट टी ट्वेंटी है तो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पर दिमाग में तो सब अब वही सोच रहे हैं कि अरे सूर्य स्काय को देखेंगे ईशान किशन को देखेंगे कि क्या होता है तो उसी वजह से टी ट्वेंटी का भी होता है जो देखने वाली बात यह होती है कि टेस्ट मैच जब आएंगे तब क्या शुरू होगा पर मैं ये नहीं मानता बीसीसीआई ने कुछ अकलमंदी की काम की है ये सीरीज को इतना जल्दी स्केड्यूल किया है मैं ये मानता था कि एटलीस्ट एक, एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को रिकवर करने के लिए मीडिया को रिकवर करने के लिए बिकॉज अगर आप इतना क्रिकेट डालोगे ना इट विल किल द गेम बिल्कुल कहा जा रहा था कि सूर्या के पीसी में दो जर्नलिस्ट आए थे हालांकि अब आ रहा है कि दो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे थे आए थोड़े ज्यादा थे लेकिन फिर भी नंबर्स बहुत कम थे क्योंकि जर्नलिस्ट भी थके हुए थे वर्ल्ड कप के बाद वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं या यार 45 दिन हो गए यार <laughs> कितने भने थोड़े उनको भी तो ब्रेक दिन दे दो इससे मूव ऑन करते हैं आपने कहा सूर्या को देखेंगे ईशान को देखेंगे हमने सूर्या को भी कल देखा ईशान को भी देखा अपने नए रिंकू सिंह द फिनिशर को भी देखा ये जो टीम दिख रही है आपको टी20 की आपको लग रहा है कि यही रहेगी या फिर से वो विराट विराट रोहित वगैरह इनमें नहीं नहीं विराट हमारा इंडिया में ये है कि हम किसी को रिटायरमेंट नहीं लेते मेरे हिसाब से केएल राहुल डज नॉट बिलोंग टू आर टी ट्वेंटी टीम जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे केएल राहुल को नहीं लेना चाहिए गिल ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं अम... आ, पर मेरे हिसाब से अब तो रोहित शर्मा को भी बोलना चाहिए कि अगर आपको 2024 वर्ल्ड कप तक खेलना है तो वो लास्ट है उसके बाद आप रिटायर्ड हो और इवेंचुअल फ्यूचर टी ट्वेंटी की ओपनिंग गिल और यशस्वी जयसवाल है ऋतुराज बैकअप ओपनर हो सकता है पर मेरे हिसाब से ऋतुराज को आप मेंटोर करो कि विराट कोहली की जगह वो नंबर थ्री का रोल ले ले तो बिकॉज विराट भी रिटायर विराट को वनडे और उसमें फोकस करना चाहिए आई थिंक वो वनडे में फार ज्यादा बेटर प्लेयर है टी से यादव का फिफ्टी फिफ्टी है वो अगर विकेट थोड़ा, uh, थोड़ा फास्टिश है थोड़ा बैक पे आता है तो वो और उनका पीछे का शॉट मार सकते हैं वो खेल सकते हैं लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल में आप देखो उनका मतलब बैल और बॉल और बैट का कुछ संगम ही नहीं हो रहा था लुकिंग लंडन और इस गेम में भी काफी लकी शॉट उनके लग गए ठीक है थोड़े अच्छे भी लगे मैं मानता, मानता हूँ पर खुद रवि शास्त्री बोले कि दिस इज लुकिंग यू नो टॉकिंग पेरिस ऐसा कुछ आ, है सो hmm. so, या वो कप्तान कप, के लिए रेडी है आई एम नॉट श्योर बट नहीं ये जो आपने टीम देखी है बैटिंग कुछ हद तक मैं यही मानता हूँ कि फ्यूचर ये है बॉलिंग ये नहीं होगी क्योंकि बॉलिंग में अभी भी सिराज अच्छा खेलते रहे कुलदीप या चाहल दोनों में से एक आ सकते हैं रवि बिश्नोई बहुत inconsistent है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर वो बहुत inconsistent है सूर्या का भी अभी हमने स्टैट्स देखा में जबरदस्त खेलते हैं ओ में फेल हुआ लेकिन सर ओडीआई में जो उनको रोल दिया गया था फिनिशर का टी ट्वेंटी में वो फिनिशर का रोल नहीं प्ले करते वो टॉप फोर में खेलते हैं नॉर्मली उनके हाँ। पीछे दो चार बैटर और आते हैं कुशन होता है मेंटली वो थोड़ा काम होते हैं अपना गेम खेलते हैं

केएल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा आपके टॉप थ्री थे ये आप भूल गए कि तीनों के साथ एक एक ये तो ये होने ही वाला है तो इंडिया को जो तो सूर्य कुमार का रोल आ, 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 मुझे पर्सनली लगता था कि राहुल द्रविड को एक साल और देना चाहिए था पर आई थिंक राहुल द्रविड इज नॉट द कोच कोच एनवी हाँ वो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के मुझे लगा कि उनको एक पर ये काम भी बहुत वो है बट मैं राहुल को एक क्रेडिट दूंगा कि जब अच्छा खेल रहे थे तो प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा लाइक अ ट्रू वॉरियर हारे तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए थे राहुल से तो ट्रूली जेंटलमैन ट्रूली अ जेंटलमैन उनकी गलती भी नहीं मैं कहूंगा फाइनल भी हार गए उन्होंने हाँ, अच्छा, अच्छा किया मैं उनको जिम्मेदार था फाइनल के लिए, के लिए मैं, वो मैं नहीं जानता पर उस हद तक बहुत अच्छा और आ, थोड़ा तो प्लेयर्स के ऊपर भी तो दारदार रहता है कि आप सिचुएशन को समझे और अडेप्ट करें सब कुछ तो कोच आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता सो वो मानता हूँ इंग्लैंड ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान भी टीम थी, उम्मीद थी सेमीफाइनल में आ सकती है। लेकिन वो भी फिफ्थ पे रही पाकिस्तान और, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के बारे में मतलब कैसा रहेगा इनका फ्यूचर इंग्लैंड का तो ठीक ही रहेगा आई थिंक उनका इश्यू ये है कि वो लोग मतलब मतलब सारे ऐसे खेल रहे थे जैसे सारी नौवीं विकेट है और सबको हिट आउट करना है तो उनका शॉट सिलेक्शन वेयर जो रूट भी कैसे कैसे भद्दे शॉट्स खेल रहे थे मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब पता नहीं सिल्क के स्कार्फ से मर्डर करने की कोशिश कर रहा है कि, कि इतना अच्छा बैट्समैन इतना अच्छा स्कार्फ है लेकिन नहीं मैं, मैं यूज इसके करूंगा मर्डर के इट वाज वेरी बैड वेरी बैड Uh, आप अगर uh, इंग्लैंड की टीम को ओपनर्स uh, में आई थिंक मैं हमेशा से बोलता हूँ उनकी वो बहुत स्ट्रगल किए मिडिल ऑर्डर में और मैं भी शायद इं, इंग्लैंड को टी ट्वेंटी का जो ओपनिंग है बटलर और बेर uh, स्टोक का वो वनडे में भी सोचना चाहिए और हैरी ब्रुक को उनकी जगह आना चाहिए हैरी ब्रुक डेफिनेटली बेन स्टोक्स की जगह तो आएंगे अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे तो और ऐसे अगर दो तीन लोग चेंजेस कर दे तो इंग्लैंड की टीम वापस पोर्टेंट हो जाए वो अकेली टीम है जो नाइन

कोई गेम के बारे में बात नहीं कर रहा था राइट तो पाकिस्तान में यह हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मैं बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के कैटेगरी में डालना चाहूं ब्रिलियंट बैट्समैन बट आई थिंक ही ट्राइज टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ वो नहीं होगा नहीं होगा सचिन की कैप्टनसी में इश्यू ये हुआ था ऑफ कोर्स मैच फिक्सिंग का तो इश्यू था ही विच यू नो आई होप पाकिस्तान में तो अभी कोई यू you नो know, वो इश्यू है नहीं बट 1999 टू में इंडिया में था तो सचिन स्ट्रगल कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर बैट्समैन होने का जोर वो और दूसरा एक प्रॉब्लम टिल फखर जमान के इन पाकिस्तान कोई ऐसा बंदा नहीं था जो लॉन्ग इनिंग्स खेल सके वो बहुत सही टी ट्वेंटी चार -चार पर आप इंडिया में शादाबी सॉरी सा, हाँ, हमें बोल वो एक ओवर में एक अच्छा बॉल और एक बकवास बॉल डालते थे तो अगर आप एक अच्छा बॉल पे बीट करो तो आपको प्रेशर बनाए रखना है फिर आप शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग हॉप या हाफ वाली दोगे तो आपको पड़ेगा विदाउट फ्रंट लाइन स्पिनर और मैं ये नहीं मानता वो नसीम शाह इंजर्ड हो गए वो आपके पास बैकअप होने चाहिए भाई हर एक टीम में कुछ ना कुछ तो इंजरीज है तो बैकअप हार्दिक पंड्या इंडिया में चला गया तो इंडिया थोड़ी कोई ये बोलता है अरे हम लोग फाइनल तो हार्दिक पंड्या इंजर्ड हो गए इसीलिए हार गए नहीं पाकिस्तान को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनके बोलिंग अटैक में उनको ऐसे ओवर बोलर चाहिए जो पोटेंटली दस ओवर डाल सके और शाहिन शाह अफरीदी अच्छे बॉलर है पर उनको सपोर्ट चाहिए वो अकेले सब नहीं कर सकते अफ्रीदी खुद भी बहुत अच्छा लग रही हंड्रेड परसेंट फिट नजर नहीं आ रहे थे हारिश राउ आ रहे थे हारिस राउ ने भी बहुत रन लुटाए मतलब बॉलिंग ज्यादा इस बार डिजास्टर रहा पाकिस्तान रवि शास्त्री ने डायग्नोज किया था कि उनकी बॉलिंग अबरेज है विदाउट नसीम शाह आप अच्छी बोलिंग है पर आप उसको बेस्ट बोलिंग अटैक ऑफ द वर्ल्ड कप नहीं मान सकते वो ऑस्ट्रेलिया ही है मेरे हिसाब से और इंडिया लाइक like ऑस्ट्रेलिया अब कप्तानी बाबर आजम की कैप्टेंसी भी चली गई पहले तो ये बताइए कैप्टेंसी उनसे लेना क्या कोई सोल्यूशन था शान मसूद जिनकी टीम में जगह नहीं थी वो टेस्ट के कैप्टन बन गए शाहिंग शाह वो ज्यादा फिट नहीं नजर आते वो टी ट्वेंटी कैप्टन बने गए हाँ मतलब ये तो ऐसा हुआ कि इंडिया में जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना दिया जो आई थिंक बनना चाहिए राइट पर अगर वो खेलने नहीं पा, खेल नहीं, नहीं नहीं वाले तो आप उसको कैसे बना सकते हो राइट अगर बुमराह फिट नहीं तो इसीलिए बुमराह को वाइस कैप्टन नहीं बना रहे अभी बट तो इंडिया और... में भी ये इश्यू है पर नहीं ये शान मसूद को मुझे आई थिंक ये बहुत ही आ, क्या बोलते हैं

बिल्कुल और ऑस्ट्रेलिया में ये लगातार 14 मैच हारे हैं लास्ट 14 मैचेस कंसेक्यूटिव मुझे लगता है ये 14 से 17 ना हो जाए इस बार बढ़ के हाँ मतलब वही लग रहा है कि बिकॉज़ देखो आप अगर टेक्निकली देखो तो टेक्निकली तो ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मार्टर आ, स्मार्टर से बेटर टीम आ,

कप्तानी की उन्होंने गुजरात के लिए एक बार चैंपियन बनाया एक बार फाइनलिस्ट वो चले गए हैं मुंबई या जा रहे हैं और मुंबई से कोई एक बड़ा प्लेयर जो है वो अहमदाबाद गुजरात की टीम में आ रहा है ये ये ऐसा सरप्राइजिंग कैसे ये कैसे हो गया सर ये पता नहीं है देखो ये आ, आई आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हुआ गुजरात के लिए मैं खुद गुजरात टाइटन्स का बहुत बड़ा फैन हूँ आई थिंक अगर वो लोगों ने रिलीज किया है तो बहुत बेवकूफ वाली बेवकूफी वाली बात होगी बिकॉज uh, uh, हार्दिक पंड्या तो मेन स्टे कैप्टन थे हमारे आई I मीन mean, ये आई डोंट नो ये लोग ने किया है दूसरी बात uh, अगर आप कैप्टन को ला रहे अनलेसन एंटीन वो लोग ये सोच रहे कि केन विलियमसन कैप्टन हो जाएंगे गुजरात टाइटन्स के बिकॉज हार्दिक पंड्या आपको तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन दे रहे हैं दी ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज मुंबई इंडियंस में मुंबई इंडियंस ने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया होगा कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाएंगे और रोहित शर्मा आ, शायद आ, आ, उनकी अगेंस्ट खेलेंगे वो वो मुझे पता नहीं है सो आई आई डोंडरस्टैंड एक चीज ऐसी बात हो रही है कि जोफरा आर्चर शायद uh, आ, आ जाए uh, गुजरात में और बेसिकली uh, आज गुजरात टाइटंस ने भी आई थिंक केन विलियमसन का कुछ uh, नमस्ते करते हुए uh, फोटो ट्वीट किया है आई डोंट नो अगर वो इंडिकेशन है कि केन विलियमसन नेक्स्ट uh, कैप्टन होंगे uh, देखने वाली बात है बट वो बहुत ही बहुत ही आ, आ, बैड मूव होगा अगर हार्दिक पंड्या को ऐसे ही जाने दिया इस बार आईपीएल कौन जीत रहा है नहीं मैं तो हमेशा गुजरात टाइटंस ही बोलूंगा बिकॉज वो है बट अगर ऑब्जेक्टिवली आप मुझे बोलोगे तो अगर हार्दिक मुंबई में आता है तो मुंबई ऑटोमेटिकली कंटेंडर हो जाता है मुंबई इंडियंस का फैन हूँ तो एक अच्छा आ रहा है बट मैं एक एक चीज आपको कॉशन कर दूंगा कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो उस टीम में अभी भी बहुत ज्यादा फ्लॉज है और हमेशा द इश्यू विथ मुंबई इंडियंस कि वो लोग जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ज्यादा ही लंबा वो देते हैं टू देर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ की यू नो अब तो गिव देम लॉन्ग रोप गिव अ लगर रोप सो वो उसमें फर्क पड़ेगा कि वो सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या कैसे खेलते हैं कंडीशन का भी बहुत फर्क पड़ेगा आ, कि में कैसे है, क्या वो कर पाते हैं क्या वो नहीं कर पाते बट या ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ इनके लिए बहुत है नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था कि आपको एज ए मुंबई इंडियंस फैंस क्या लगता है कि अगर आ, हार्दिक की जगह कोई सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा आ जाए गुजरात टाइटन्स में तो, तो फिर क्या होगा मुंबई रोहित आएगा तो आई विल बी वेरी सैड सूर्या ठीक है सूर्या बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन रोहित का जाना अगर रोहित जाते तो ज्यादा दिक्कत करेगा मैं एक दूसरा आपको सि देता हार्दिक पंड्या एक गुजराती मुंबई में आता है और दूसरा गुजराती बाहर जाता है जसप्रीत बुमराह और बुमराह बुमराह कैप्टन होगा हाँ और बुमराह गुजरात टाइटंस का कैप्टन एज बुमराह एज गुजरात टाइटंस कैप्टन वेरी मच पॉसिबल अच्छा आइडिया दे रहे हैं आप शायद ऐसा मैं मैं बोल रहा हूँ और वो होम ग्राउंड पे आ रहा है वो तो हार्दिक पंड्या तो हार्दिक पंड्या का तो होम ग्राउंड टेक्निकली बड़ोड़ा है मीन I है ही mean, गुजराती ही है और अहमदाबाद से ही खेलता है बट जसप्रीत बुमराह तो मतलब मोटेरा में ही मैचेस खेला है वहां से वो आया है सो आई एम टेलिंग यू दिस दिस द रीजन वाई हमको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा मैंने रूमर्स देखे कि हार्दिक पंड्या आ रहा है वो पर जब तक मैं ये नहीं देखता कि हार्दिक के अगेंस्ट किसकी यू नो डील या ऐसा कुछ हुआ है तब तक मैं नहीं मानता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सो so, वो देखने वाली बात होगी पर आईपीएल बहुत बढ़िया होगा तीन महीने में आईपीएल शुरू हो रहा है चार महीने में शुरू हो रहा है देखते हैं क्या क्या होता है उसके बाद वर्ल्ड कप भी है चलिए आईपीएल पी एल भी हमारी आपकी पसंद की टीम जीते और वर्ल्ड कप भी अपनी टीम इंडिया जीते और थोड़ा जल्दी जल्दी आया करें सर फैंस को भी इंतजार रहता है कि आदित्य सर नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं हम लोग हम लोग करेंगे पक्का कुछ कुछ हफ्ते बाद एक पॉडकास्ट करेंगे शायद इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर्स का एक डिस्कशन करेंगे और मजा आएगा उसमें कि क्या दोनों दोनों बहुत सही जगह है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए सो बहुत मजा आएगा बात करने में